नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवरतन जोशी। आइए डालते हैं एक नजर दिनभर की खास खास खबरों पर। बीकानेर में फिल्म स्टाइल में हुआ सड़क हादसा, रेलवे फाटक तोड़ ट्रेन से टकराई कार, हादसे में 3 लोग घायल। बरसात के दौरान बीकानेर में फिर से ढहा एक जर्जर मकान। शिक्षक संघ अम्बेडकर ने शिक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र, प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में मिला शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल। राजस्थानी सभा पाटने की उस देनी है कला, सोनू ने सीखी महज 15 दिनों में कला। कछुए की चाल से भी धीरी रफ्तार में चल रहा है आरओबी का निर्माण कार्य। मुक्ता प्रसाद और मुगल रोड पर हो रहा है आरओबी का निर्माण। पीबीएम परिसर में पानी की निकासी की बेदखल व्यवस्था, जगह जगह ठहरते हैं बरसात को गंदे पानी के आलम। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रणजीतपुरा ओशा सड़क के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण कार्य का किया शिलान्यास। शहर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता जावो को किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के कानासर रेलवे फाटक पर फिल्मी स्टाइल में एक हादसा हुआ, जिसमें तेज तरार दौड़ती आई कार ने रेलवे फाटक को तोड़कर रेल से टकराई। इस दौरान 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। दौरान थाना अधिकारी मनोज शर्मा मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। बीकानेर में आला अधिकारियों की उदासीनता के चलते बरसात के दिनों में लगातार जर्जर मकान के ढहने की घटनाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में भी बीकानेर में एक बड़ी बिल्डिंग ढहने से कई लोग घायल हुए थे और आज भी लखोटे चौक स्थित एक जर्जर मकान ढह गया है, जिसमें अभी तक जान माल हानि की घटना सामने नहीं आई है। अगर बात की जाए मानसून की तो मानसून अभी तक पूरा पहुंचा नहीं है। ऐसे में मामूली हो रही बरसात में गिर रहे मकानों की स्थिति आगे मानसून के दौरान क्या होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। शनिवार को बीकानेर में आई बरसात के दौरान लखोटिया चौक स्थित एक जर्जर मकान फिर ढह गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने के समाचार नहीं मिले हैं, किंतु मकान के गिरने से एक बार आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि इससे पूर्व बीकानेर में हुई बरसात के दौरान गंगा शहर में भी निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी थी और मलबे में दबने से 3 श्रमिकों की मौत भी हो गई थी तथा 5 श्रमिक घायल हो गए थे। समय समय पर आयोजित होने वाली बैठकों में जिला कलेक्टर नमित मेहता की ओर से मानसून पूर्व की तैयारी के साथ साथ शहर में क्षतिग्रस्त व गिरने के कगार पर पहुंचे मकानों का सर्वे कर उनको गिराने की कार्रवाई करने के निर्देश कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर लोगों की जान पर भारी न पड़ जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कारण तो कल रात को क्या बारिश आई और तेज धूप के कारण हो गई है। पहले क्षतिग्रस्त था या ना? ना कुछ नहीं था, बारिश की वजह से यार, और कुछ नहीं था। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए एक मांग पत्र सौंपा।
शिक्षक संघ की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में ज्ञापन में रोस्टर नियमों की पालना और बैकलॉग पदों की सही से गणना करने के उपरांत ही प्रधानाचार्य सहित सभी समूह की 2021-22 की बकाया डीपीसी की मांग रखी। एनपीएस पेंशन बंद करके ओपीएस योजना बहाल की जाए। विद्यालय संबल योजना तथा नवसर्जित कंप्यूटर सहायक कैडर में एससी एसटी ओबीसी को नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जाए सहित विभिन्न मांगों के लिए अपना मांग पत्र सौंपा। पूर्व प्रदेश महामंत्री मोडाराम करेला ने बताया कि उक्त मांगों पर शिक्षा मंत्री ने सहानुभूति पूर्वक विचार किया एवं साथ ही तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया एवं शिक्षा निदेशक को भी उक्त मांगों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री भगवान सहाय मीणा, जिला मंत्री चुनीलाल इनानिया, पुराराम आदि लोग मौजूद रहे। संगठन की बहुत पुरानी मांग और बहुत महत्वपूर्ण मांग है, उस मांग के विषय में हमारी शिक्षा मंत्री जी के साथ कल जिला कलेक्टर कार्यालय में वार्ता करवाई। इसके लिए मैं राज्य सरकार का, शिक्षा मंत्री जी का और उनके साथ सभी विराजमान अधिकारियों और जननेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा मुख्य मुद्दा रोस्टर रजिस्टर संधारण का है, जिसके लिए राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ता आ रहा है। हाल ही में श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार ने 25/5/2020 को प्रमुख शासन सचिव के द्वारा एक आदेश पारित करवाया कि आप अगस्त 2020 तक प्रत्येक विभाग में रोस्टर रजिस्टर का संधारण करके और उसके बाद में पदोन्नति या भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। एक पंथ दो काज वाली कहावत सुजान देसर के लिए अभी सार्थक होती नजर आ रही है। नगर निगम प्रशासन की ओर से जैन स्कूल के सामने आचार्य बगीचे मार्ग की ओर जाने वाले मार्ग पर लोगों द्वारा डाले गए कचरे से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उस कचरे का नगर निगम ने उठाव शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन के बाद इस स्थान पर कचरा व मलबा डालने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस मलबे व कचरे को उठाकर नगर निगम की ओर से सुजान देसर में पानी की समस्या को लेकर बनाई जा रही पाल में डाला जा रहा है, जिससे पाल और मजबूत बनेगी। होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है और जो इधर से जो शहर को और उधर मोहता सराय से जोड़ता है पूरे शहर को, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल और कचरा डालना शुरू कर दिया था, उससे सड़क संकरी हो गई थी, यातायात बाधित हो रहा था। उसको वहाँ से हमने हटाया है। अभी आप देख रहे हो लगातार जैसे हम डंपर और ट्रैक्टर चल रहे हैं वहाँ, ताकि आमजन को सुविधा मिले इसकी। उस खाई के पास भी सुरक्षात्मक मानक हमने अपनाने के लिए जो उसको जो कचरा है उसी से एक बाड़ सी बनाएंगे उसको, ताकि कोई नुकसान। देश नहीं समूचे देश में अगर कला संस्कृति की बात की जाए तो उसमें बीकानेर का नाम हमेशा अग्रणी रहा है। बीकानेर के 21 साल की सोनू खान कम उम्र में ही साफा बांधने की मुहिम शुरू की। अपने पिता नाना व भाई को साफा बांधते देखकर उनके मन में भी आया कि वो भी साफा बांधे। अपनी बहन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भाई वासिम खान ने उसे साफा बांधना सिखाया और 15 दिन में सोनू ने अलग अलग तरह के साफे बांध देती है। सोनू का कहना है कि लड़कियां भी हर काम को कर सकती है। इसके साथ ही राजस्थान की साफा बांधने की कला को सभी जगह पहुंचाने के लिए उन्होंने साफा बांधना सीखा है। जो मैंने कला है ये अपने भाई वसीम खान से सीखी है। मेरे दादाजी और मेरे नाना जी शुरुआत से साफे बांधते थे और मेरे भाई ने उनसे सीखी और भाई के थ्रू ये कला जो है मैंने सीखी है। और अब तक सर ये जो कला है मैंने कम से कम बीकानेर के कई गणमान्य लोगों के सरों पे बांध चुकी हूँ। कम से कम 10 से 15 लोगों के ऊपर जो साफे मैं बांध चुकी हूँ। उसके अकॉर्डिंग सर देखिए पुरुषों के अंदर जो ताकत होती है वो ज़्यादा ही होती है लड़कियों के मुकाबले। जो हाथ की जो उंगलियाँ होती है ना सर, इनके अंदर जॉइंट जो दर्द होने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि मेरे अंदर जुनून था कि मैं साफे मेरे को सीखना ही है, क्योंकि बीकानेर अभी तक किसी भी लड़की ने काम नहीं किया। तो इस चीज़ के आगे मैंने सारे दर्द को बुला के सर मैंने मतलब ये तो साफा सीखा। बाग में तो कब से ही था मेरे साफा सीखने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के अंदर जो लॉकडाउन का जो यूज़ लोग सोचते कि लॉकडाउन लग गया क्या करें क्या करें, मैंने इस लॉकडाउन को अपने अच्छे तरीके के लिए यूज़ किया ताकि टाइम का यूज़ कैसे किया जा सके। मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ थी मतलब लॉकडाउन में कॉलेज बंद थे, तो मैंने सोचा इस टाइम का यूज़ करूं और घर के अंदर मैंने रह के लॉकडाउन के अंदर अपनी कला सीखी। अंदर जैसे अंग्रेज बीकानेरी साफा, जोधपुरी साफा, गंगा साई साफा, गोल पगड़ी, जैसलमेरी पाग, उदयपुरी पाग, मेवाड़ी पाग और एक महाराष्ट्रीन पाग है जो कोल्हापुरी पाग उसे बोलते, एक क्षत्रिय पाग है जो उसे बोलते। बिल्कुल मेरे दिमाग के अंदर योजना चल रही है कि मैं मतलब अपने बीकानेर का जो नाम है वो रोशन करूं और इसके अंदर जो मेरा काम मतलब जो भी दिमाग के अंदर वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये चीज़ मैं अभी नहीं जाहिर करूंगी कि मेरे दिमाग में क्या है, ये चीज़ मैं करके ही लोगों को बताऊंगी। लालगढ़ रेलवे स्टेशन से मुक्ता प्रसाद और पुगल रोड पर बनने वाले आरोपी की वर्तमान स्थिति से कछुआ चाल भी शर्मा जाती है। आरोपी का कार्य लगभग
कई वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक भी उसकी रफ्तार तेज नहीं हुई है। इस पुल के ढीले निर्माण की वजह से लोगों को आवागमन में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरओबी का कार्य चलते हुए कई साल होने के बावजूद भी यहाँ आरओबी के ऊपर लगने वाले पिलरों के आरसीसी सरिये बाहर निकले होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आरओबी बनने के कारण यहाँ की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और रोड लाइट का भी अभाव रहता है, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। लगभग 2 साल से चल रहा है, पूरा रास्ता अवरुद्ध कर रखा है, लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है और काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। 2 साल से बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है, इससे आमजन को बड़ी परेशानी हो रही है। और एक आम रास्ता, क्योंकि शहर में दूसरा कोई बाईपास का रास्ता ही नहीं, यही रास्ता था और इस रास्ते को इन्होंने ऐसे करके जाम कर दिया, तो बहुत बड़ी परेशानी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। आओ खिलाओ, रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन की अल्लाह, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़ी या चटपटी, स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान माल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchanmal.in. हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन, अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुकम। अरे आइए आइए, घनी खमा, घनी खमा, क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगे प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए? क्यों नहीं हुकम, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जाने जो स्वाद असली पहचाने, प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बीबीएम चिकित्सालय परिसर में गंदे पानी व बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था अभी भी सिरे नहीं चढ़ पा रही है। आपको बता दें कि कल हुई मामूली बारिश में भी बीबीएम चिकित्सालय परिसर में गंदगी व पूरी तरफ चारों ओर पानी का आलम इकट्ठा होने का देखने को मिला। यही नहीं, कई स्थानों पर इस ठहरे पानी में चौक व जाम, सीवेज व नालों का पानी भी ओवरफ्लो होकर कोर्ट में खाज का काम कर रहा है। इससे बीबीएम के स्टाफ को बल्कि इलाज के लिए पहुँच रहे मरीजों व उनके परिजनों को भी खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। की बात की जाए तो कोविड वैक्सीनेशन के स्लॉट बुकिंग से लेकर वैक्सीन लगवाने के वालों का डिस्पेंसरी में ताता नजर आता था, लेकिन अब वो समस्या खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बीकानेर में सभी डिस्पेंसरों के साथ डोर टू डोर वैन के माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्य पुरजोर से चल रहा है। कोविड से बचाव को लेकर डिस्पेंसरी में 18+ के लोगों के निःशुल्क कोविशील्ड वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि वैन में सिर्फ कोवैक्सीन ही हो रहा है। ऐसे में डिस्पेंसरी में लोग वैक्सीनेशन के लिए लगातार पहुँच रहे हैं।
सरकार द्वारा देर रात कोविड गाइडलाइन 3.2 जारी की गई है, जिसमें अब वीकेंड कर्फ्यू को बरकरार रखा है। हालांकि कोरोना के गिरते ग्राफ को लेकर अब वीकेंड कर्फ्यू कागजों में ही सीमित रहता है, लेकिन बीकानेर पुलिस की अगर की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि हेल्थ विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में पॉजिटिव की संख्या शून्य रही है, इसके बावजूद पूरी तरह पुलिस मुस्तैद नजर आई। गाइडलाइन के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू में बाजार पूरी तरह से बंद रहे, सड़कों पर पुलिस नजर आई और बेवजह घूमने वालों को टोकने के साथ की ईएम रोड, कोटगेट क्षेत्र, स्टेशन रोड आदि क्षेत्रों में लोगों के चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के जरिए देश की आम जनता से रूबरू हुए। उन्होंने मन की बात करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं व उनकी माताजी ने भी वैक्सीन लगवा ली है। कोविड वैश्विक महामारी में सभी लोग वैक्सीनेशन जरूर किया, इस बात पर मन की बात में बल दिया गया। बीकानेर में भाजपा देहात कार्यालय में जिला देहात अध्यक्ष ताराचंद शास्त्री के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनी। इस मौके पर जिला संयोजक देवीलाल मेघवाल, अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष फैयाज हुसैन, साकेत सहोत्रा आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रणजीतपुरा ओसिया सड़क के सुदृढ़ीकरण व नवीकरण कार्य का शिलान्यास किया। यह सड़क 28 किलोमीटर लंबी सड़क पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तथा दीपावली तक यह कार्य पूर्ण होगा। भाटी ने यह भी कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्य में कमी नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि रणजीतपुरा ओसिया सड़क नवीनीकरण कार्य पूर्ण होने से यहां के 100 से 150 गांवों के लोगों को आवागमन अति सुगम हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यह रोड पिछले 30 वर्षों से क्षतिग्रस्त थी, इसे अब सुधारा जा रहा है। यह सड़क गुणवत्तापूर्ण व समय पर बने, इसके निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय द्वारा कांग्रेस नेता माणिक जावा की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत, यूआईटी पूर्व चेयरमैन मकसूद अहमद, राज्य यूथ क्लब अध्यक्ष अनिल गल्ला, राजकुमार किरण, नंदलाल जावा, शिवलाल तेजी आदि ने जावा के व्यक्तित्व कृतित्व का स्मरण करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज 27 जून 2021 को स्वर्गीय माणिक चंद जी जावा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व न्यासी नगर विकास न्यास की आज 5वीं पुण्यतिथि है, जो आज यहाँ डागा चौक के अंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई है। और इसके अंदर कांग्रेस के अग्रिम संगठन ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेसी पार्षद एवं वाल्मीकि समाज के अन्य संगठन लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने। चलते चलते डालते हैं नजर दिन भर की खास खास खबरों पर। बीकानेर में फिल्म स्टाइल में हुआ सड़क हादसा, रेलवे फाटक तोड़ ट्रेन से टकराई कार, हादसे में 3 लोग घायल। बरसात के दौरान बीकानेर में फिर से ढहा एक जर्जर मकान। शिक्षक संघ अम्बेडकर ने शिक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र, प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में मिला शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल।
राजस्थानी साफा पालने की पुस्तैनी है कला, सोनू ने सीखी महज 15 दिनों में कला। कछुए की चाल से भी धीरे रफ्तार में चल रहा है आरओबी का निर्माण कार्य। मुक्ता प्रसाद और मुगल रोड पर हो रहा है आरओबी का निर्माण। बीबीएम परिसर में पानी की निकासी की बेदखल व्यवस्था, जगह जगह ठहरते हैं बरसात को गंदे पानी के आलम। शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रणजीतपुरा ओशिया सड़क के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण कार्य का किया शिलान्यास। शहर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता जावो को किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि। आज फिलहाल इतना ही, नई गतिविधियों के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक न्यूज रूम से नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज अब तक। नमस्कार। भीखाराम चांदमल की मनपसंद स्वादिष्ट मिठाइयाँ भुजिया पापड़ नमकीन अब आपके घर पर ही होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9119119135। खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ।